सुप्रभात दर्शकों, स्वागत है आपका आज के राशिफल में। कैसा रहने वाला है आज आपका दिन, क्या कहते हैं आपके सितारे और किन बातों से आज आपको रहना चाहिए सावधान, आई जान लेते हैं 4 अगस्त 2023 का राशिफल। Join Mahatma Gandhi University for programs like Pharmacy, D Pharma, B Pharma, Medical Lab Technology, Physiotherapy, Law and Research programs. For admission, call 8800697058। सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों आज आपका दिन काफी अच्छा रहने वाला है। आज आप खुद को ऊर्जावान और उत्साह से भरपूर पाएंगे और आज आपको अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में प्रगति करने के कई अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं। इसके साथ ही आज आपको सावधान भी रहना चाहिए और कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही आज अगर आप नई परियोजनाओं को शुरू करना चाहते हैं तो आज का दिन इसके लिए काफी अच्छा है। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों आज आपको खुद का ख्याल रखना चाहिए। आज आपको आराम करना चाहिए और तरोताजा होकर अपने कार्यों के प्रति लग जाना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों आज आपको अपने तनाव को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए और आज आपको अपने अंतरात्मा की आवाज सुने बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए, वरना आज आप परेशानी में पड़ सकते हैं। वृषभ राशि के जातकों आज जमीन से जुड़े रहें और ध्यान को केंद्रित करें, लेकिन जरूरत पड़ने पर मदद मांगने से भी आज आपको नहीं डरना चाहिए। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों आज आप अपने लक्ष्यों और रचनात्मक उद्यमों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे और इसके लिए आज का दिन काफी अच्छा है। मिथुन राशि के जातकों आज आपको आश्वस्त रहना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित भी रहना चाहिए। आज आपको विचलित नहीं होना चाहिए और आज आपको संगठित रहकर किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। मिथुन राशि के जातकों आज आपको समान विचारधारा वाले लोगों से जुड़ने का मौका मिलेगा और आज इसका आप लाभ भी उठा सकते हैं। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों आज आपको दूसरों से जुड़ने और अपने रिश्ते को विकसित करने का अच्छा मौका मिलेगा। कर्क राशि के जातकों आज आप अपनी भावनाओं के प्रति खुले और अभिव्यक्त रहेंगे और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने की क्षमता पर आज आपको भरोसा रखना चाहिए। कर्क राशि के जातकों आज सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीवन में आगे बढ़े, आज का दिन आपका अच्छा जाएगा। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आप खुद को काफी आत्मविश्वासी, भावुक और चुंबकीय महसूस करेंगे। आज आप अपने लक्ष्यों के प्रति आगे बढ़ेंगे और आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। बात अगर आपके करियर की करें तो करियर में महत्वाकांक्षी और प्रेरित रहें, लेकिन स्पष्ट रूप से संवाद करें और संघर्ष से आज आपको बचना चाहिए। आज आप अपने प्रियजनों से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिससे आपका दिन काफी अच्छा बीतेगा। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों आज आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। आज आप प्यार और समर्थन को महसूस कर पाएंगे, लेकिन आज आपको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। कन्या राशि के जातकों आज का दिन करियर पर ध्यान देने और आगे बढ़ने का है। स्वयं के प्रति सच्चे रहें और अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखें, आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों आज दूसरों के साथ जुड़ने और नए रिश्ते बनाने के लिए दिन काफी अच्छा है, लेकिन आज आपको सावधान भी रहना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा नहीं करना चाहिए, बल्कि सामाजिक गतिविधियों और बौद्धिक बातचीत का आपको आज आनंद लेना चाहिए। तुला राशि के जातकों अपने करियर और निजी जीवन में आए नए अवसरों के लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए। आज आपके संबंध अपने प्रियजनों से मजबूत होंगे और आज आप उनसे खुलकर बातचीत भी करने वाले हैं। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों आज का दिन वित्तीय लक्ष्यों और करियर में प्रगति करने के लिए काफी अच्छा है। नए अवसरों के लिए खुले रहें और अपने अंतर आत्मा पर भरोसा रखें। आज आप अपने प्रियजनों के साथ ईमानदार और खुले रहें और इस बात की सावधानी रखें कि उनसे बातचीत करते समय आप कोई भी गलती ना करें। वृश्चिक राशि के जातकों अपने संचार में धैर्यवान और दयालु आज आपको रहना चाहिए। आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जातकों आज आप अपने दोस्तों और परिजनों से जुड़ेंगे और आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा। आज आपको अपनी भावनाओं के प्रति खुले और ईमानदार रहना चाहिए ताकि आप आगे आने वाली चुनौतियों पर काबू पा सकें। धनु राशि के जातकों आज आपको अपने बजट की समीक्षा करनी चाहिए और अपनी आय या फिर बचत को बढ़ाने के लिए नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों आज आप सामाजिक रहेंगे और दूसरे से जुड़े रहेंगे। अपने अंतर्ज्ञान का आज आपको पालन करना चाहिए और आपको नए कनेक्शन के लिए भी खुले रहना चाहिए। मकर राशि के जातकों आज आप अपने सहकर्मियों और अपने अधिकारियों के साथ नेटवर्क को और मजबूत बनाने पर ध्यान देंगे। मकर राशि के जातकों आज आपको ईमानदार रहना चाहिए और रिश्तों में स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए। आज आपको खुद का ख्याल रखने की भी आवश्यकता है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों आज का दिन आपका अच्छा बीतेगा। आज आपको अपने नेटवर्क को मजबूत बनाने की आवश्यकता है और इसके अवसर भी आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। कुंभ राशि के जातकों आज आप दयालु और उदार रहेंगे और स्वयं की समीक्षा भी करेंगे। कुंभ राशि के जातकों, आज आप अपनी आवश्यकताओं को भी प्राथमिकता देने वाले हैं और अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं। कुंभ राशि के जातकों, आज आप कोई साहसिक कदम भी उठा सकते हैं। इस तरह आज आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए दूसरों से जुड़ने और एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने का है। मीन राशि के जातकों, आज आपको सामाजिक बने रहना चाहिए और नए संपर्कों के लिए भी खुला रहना चाहिए। अपने रिश्तों को आज आपको गहरा करना चाहिए और नए रिश्ते भी आज आप बना सकते हैं। मीन राशि के जातकों, आज आप अपने व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर भी ध्यान देंगे। मीन राशि के जातकों, आज आप अपनी परियोजनाओं को आगे भी बढ़ाने वाले हैं। मीन राशि के जातकों, और आगे आने वाले दिनों में परिणाम आपको आश्चर्यचकित भी कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये था 4 सितंबर 2023 का राशिफल। ये राशिफल आपको कैसा लगा, आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।